अरे देखना जरा, मुझे लगता है जरीना आ गई होगी, मैं अभी आई जल्दी से लेकर। सलाम। कैसे तुम? मैं ठीक हूँ। मैं एक्चुअली तुमसे अपोलोजाइज करना चाह रहा था, शायद मुझसे बहुत बुरा हुआ। शायद से बुरा हुआ, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने बहुत पहले मामा को बता दिया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। कौन? शावेज, तुम? वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कितना अच्छा हो गया ना मामा, मुझे ईशल यही मिल गई। इसमें अच्छा लगने वाली कौन सी बात है? आया, मैं आपको बता दूं। चले ना। देखिए, मुझे यकीन है कि जो मैं बात करने जा रहा हूं उसमें ईशल भी मेरा साथ देगी। वो बात सीधी सीधी ये है मामा कि मैं आपके बगैर नहीं रहना चाहता। मैं वो बेटा नहीं हूं जो माँ बाप से दूर रहकर खुश रह सके। मुझे बहुत याद आते हैं आप लोग। आई नीड यू गाइज। और आप प्लीज पापा से भी कहें कि मेरे साथ ऐसा सलूक मत करें। मुझे डांटें, चाहे तो मार भी लें, लेकिन मुझसे बात ना करना छोड़ें। प्लीज आप लोग मेरे साथ चलें। हुब्बो, शावेज ठीक कह रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, आप उन्हें माफ कर दें। तुम तो चुप ही रहो ईशर। ठीक कह रही है वो। अच्छा तुम बताओ, क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा जिसकी कोई माफी नहीं है? इससे क्या पूछ रहे हो? इसकी जिंदगी बर्बाद करके तुम इससे पूछ रहे हो? हुब्बो प्लीज। मैंने मामा से कहा था और तुमसे भी उस दिन कहना चाह रहा था, लेकिन वो तो रक्षा आंटी बीच में आ गई, इसलिए बात अधूरी रह गई। आप बेफिक्र हैं, ये लोग जरूर जाएंगे आपके साथ।